लोकसभा चुनावों के सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से आज राजकीय बहु तकनीकी संस्थान बड़ू के दो अलग अलग सभागारों में हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वीवीपैट तथा ईवीएम संचालन का प्रथम चुनाव पूर्वाभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया। लोकसभा चुनावों के सुचारू और निष्पक्ष रूप से संपन्न करवाने के उद्देश्य से राजकीय बहुतकनीकी संस्थान बड़ू के दो अलग अलग सभागारों में 38 हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वीवीपैट तथा ईवीएम संचालन का प्रथम चुनाव पूर्व अभ्यास का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें 14 सेक्टर मैजिस्ट्रेट, 175 पीठासीन अधिकारी, 175 सहायक पीठासीन अधिकारी तथा 194 सहायक पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ईवीएम संचालन तथा वीवीपैट की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें ताकि चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने कहा कि चुनाव एक अहम तथा जिम्मेदारी का कार्य है, इसलिए चुनाव ड्यूटी में तैनात प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करना सुनिश्चित करे। वहीं जिला हमीरपुर के नदौन तथा सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत भी चुनावों से संबंधित प्रथम रिहर्सल चुनावी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियों को रिहर्सल करवाई गई, जिसमें उन्हें ईवीएम और वीवीपैट के बारे में विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। जहां नदौन में अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम की अध्यक्षता में रामलीला मैदान में ये रिहर्सल करवाई गई, जिसमें 648 कर्मचारियों ने भाग लिया। इस मौके पर उपमंडल अधिकारी नदौन दिलेराम दिमान भी मौजूद रहे। वहीं सुजानपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के परिसर में उपमंडल अधिकारी शिवदेव सिंह की अध्यक्षता में चुनाव रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें 667 कर्मियों को वीवीपैट और ईवीएम संचालन के बारे में जानकारी दी गई।